मैं विशाल सालुंके धारावी के अन्ना नगर में पिछले 19 साल से रह रहा हूँ। मेरा पूरा बचपन धारावी में ही गुजरा है। मैं जिस धारावी में रहता हूँ उस धारावी के पुनर्विकास के बारे में हर दिन कुछ ना कुछ नया मुझे सुनने को मिल रहा है। 2004 से धारावी रीडेवलपमेंट प्लान मतलब DRP की चर्चा हो रही थी, लेकिन DRP यानी क्या है ये मुझे और अन्य धारावीकरों को पता नहीं था। मार्च 2013 में माडा की ओर से धारावी में 9 जगह पे DRP के मैप लगाए गए हैं। जब मैंने वो मैप देखे तब मुझे उस मैप की बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई, इसलिए उसके बारे में मैंने धारावी के लोगों से बात की। तब मुझे पता चला कि ज़्यादातर लोगों को मैप बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं, ना ही मैप पर दी गई सुझाव और शिकायत की अंतिम तारीख की कोई जानकारी है। और आपने जो मैप लगाया वो देखा है बाहर? मैप में तो कुछ नहीं समझ में आएगा भाई, माइक्रोस्कोप लगा के कोई देखेगा क्या? माइक्रोस्कोप अपने आँख में नहीं है, अपने को नहीं समझ में आएगा। वो मैनेजर लोग का काम है, इतना बड़ा मैनेजमेंट अपने समझ के बाहर है। ये क्या नाम धारावी है, सब वही बंगाल रोजी रोटी निकालते हैं, इतना कोई सब पढ़ा लिखा नहीं है। और इतना सस्पेंस में जो डेट रखते हैं, जो मांग रखते हैं, वो तो किसी को समझ में भी नहीं आता है और कोई जा भी नहीं पाएगा। तो इस हिसाब से क्या नाम है, उनको खुद समझाना चाहिए ये चीज़ ऐसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो हमारे समझ में आवे। हमारे वाले भी इतना बड़ा बोर्ड लगा लेकिन हम लोग को अनपढ़ ले गए, लेकिन क्या मालूम रहता है हम लोग, क्योंकि उसलिए आप अगर कुछ कर सकते हो इसमें बाधा लगा सकते हो तो आपके ऊपर है। नहीं अभी तो कुछ नहीं मालूम पड़ा है कि क्या है क्या नहीं, मतलब आपको फिर अभी कुछ तो पता लगा रहेगा ना कि अभी मेरा मतलब आगे क्या होगा। हाँ मतलब ये सुन रहा हूँ कि हाँ सट्टर मतलब सट्टर में सब गया है, अब पास हुआ नहीं हुआ ये नहीं मालूम। माडा ने धारावी के पुनर्विकास योजना के लिए एक किताब निकाली है जिसकी कीमत 1000 रुपया है। इतनी कीमत होने के कारण हर व्यक्ति इसे खरीद नहीं सकता। जब मैंने वो किताब पढ़ी तो मुझे वो समझने में दिक्कत आई। उसी दौरान धारावी नागरिक मंच ने उनके सदस्यों के लिए एक परिषद का आयोजन किया था जिसमें DRP के बारे में चर्चा होने वाली थी। उस परिषद में मैंने धारावी नागरिक मंच के अध्यक्ष राजू खोरडे इनसे बात की, क्योंकि उन्होंने DRP के ऊपर काफ़ी स्टडी किया है। धारावी पुनर्विकास प्रकल्प 5 सेक्टर मध्ये राबवण्याची शासनाची योजना आहे। 216 हेक्टर जमिनीवर हा प्रकल्प राबवला आहे, त्यातली 103 हेक्टर जमीन जी आहे त्याच्यावर प्रत्यक्षपणे बांधकाम होणार आहे। धारावीतील 70,000 कुटुंबांचं रेसिडेन्शियल कमर्शियल आणि इंडस्ट्रियल असे सगळे चारही प्रकार भरून 70,000 शासनाच्या सर्वेप्रमाणे लोक आहेत, त्यांचं पुनर्वसन धारावीत केलं जाणार आहे। त्याच्या बदल्यात जे विक्री घटक मिळणार आहे त्यातनं साधारणपणे 35,000 ते 40,000 मध्यमवर्गीयांना 1 BHK 2 BHK ची घरं उपलब्ध होणार आहेत। आमचं म्हणणं शासनाला असं आहे की शासनाने ही योजना म्हाडाच्या माध्यमातून करावी। 35,000 घरांचा स्टॉक एक जागी केवळ धारावीच्या प्रकल्पातून मिळू शकतो आणि शासनाने ही जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे। हा प्रकल्प स्वतः केला पाहिजे। धारावीकरांचं पुनर्वसन करत असताना मुंबईतला इतर कामगार कष्टकरी आणि मध्यमवर्गीय जो समाज आहे त्यांच्यासाठीच्या घराची निर्मिती शासनाने केली पाहिजे अशी मागणी आणि अशा तऱ्हेचं एक वैकल्पिक प्लान आम्ही या परिषदेमध्ये सरकारसमोर ठेवलं। धारावी नागरिक मंच जिस प्रकार से DRP पे काम कर रहा है
उसी प्रकार से धारावी में छोटे मोटे संगठन DRP पे काम कर रहे हैं। धारावी बच्चा आंदोलन ये संगठन उसी में से एक है, जिसकी स्थापना लगभग 7 साल पहले हुई थी। DRP को लोगों का जो विरोध है उसे दर्शाने के लिए 9 अप्रैल को इस संगठन ने धारावी बंद का ऐलान किया था। इस बंद में शामिल होने के लिए उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों को आह्वान किया था। इस संगठन के लोग रास्तों पे आके अपना विरोध दर्शा रहे थे। उस वक्त मैंने धारावी बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष बाबू रमा ने इनसे DRP के बारे में बात की। धारावीतल्या माणसाला 400 चौरस फूट घर मिळालं पाहिजे आणि ते धारावीतच मिळालं पाहिजे। आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही, आम्हालाही विकास पाहिजे, पण विकासाच्या नावाखाली आम्हाला 50,000 कुटुंबांना धारावीच्या बाहेर हाकलण्याचं ते सरकारचं षडयंत्र आहे। त्या षडयंत्राच्या विरोधात आम्ही सर्वांनी मिळून धारावी बंद पाळली आहे। याच्यामध्ये सर्व राजकीय पक्षांचे आहेत, शिवसेनेचा या बंदमध्ये सिंहाचा वाटा आहे। सगळे राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आज सकाळपासून बंद करत आहेत, लोकांनी अद्भुत प्रतिसाद दिलेला आहे। याचा अर्थ आम्हाला विकास नको असा नाही, विकास पाहिजे, परंतु धारावीतच विकास झाला पाहिजे। 400 चौरस फुटाचं घर प्रत्येकाला मिळालं पाहिजे, धारावीतले दुकानदार त्यांना रस्त्याच्या कडेला जागा मिळाली पाहिजे, धारावीतच जागा मिळाली पाहिजे, हे आमची सर्व पक्षांची रास्त मागणी आहे। हाय टेन्शन वायर खालच्या टाटा पॉवर खालच्या लोकांचं धारावीतच पुनर्वसन झालं पाहिजे, त्यांनाही 400 चौरस फुटाचं घर मिळालं पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे। बंद के दिन मैंने लोगों में DRP को लेकर बहुत सारा गुस्सा और विरोध देखा। जागा मिळावी, धारावीमध्ये 1+1 करून दोन दोन फॅमिली राहतात आणि आता इथल्या ज्या आमदार आहेत, खासदार आहेत, त्यांचं म्हणणं आहे की जे 2095 जे आहेत त्यांनाच मिळेल, 2000 आहेत त्यांना मिळणार नाही। का नाही मिळणार? तुम्ही तुम्हाला इथल्या लोकांनी निवडून दिलेले आहे की प्रॉपर्टी धारावी तुमच्या बापाची नाही आहे, इथल्या नागरिकांची आहे, धारावीतल्या लोकांची आहे। इथे या जागेमध्ये आम्ही डोक्यावर माती टाकून टाकून इथे जो दल होता तो बुजवला आम्ही आणि ह्या जागेवर आम्ही घरं बांधलेले आहेत। घाटकोपर विक्रोळ येऊन इथे आम्ही आलो नाही राहायला, आम्ही इथल्या राहणारे आहोत। आमची ती प्रिंट पिढी गेलेली आहे, आम्ही किती मार खाल्लाय या जागेमध्ये, तेही आमची घरं आहेत। आणि तुम्ही आम्हाला सांगता आता की तुमचे जे आहे 95 घरं त्यांनाच मिळणार, 2000 लोकांना मिळणार नाही। का नाही मिळणार? आम्हाला माहिती कसं घ्यायचं ते। प्रत्येक घरामध्ये छोटे पापड, लोणचं, चामड्याचे काही वस्तू बनवणं, असे बरेचसे लघुउद्योग चालू आहेत। ह्या सगळ्या लघुउद्योगाचा व्यवस्थित विचार करण्यात यायला हवा। नुसता माणसांचा विकास, माणसांचा विकास झाला पाहिजे, जमिनीचा नाही। सरकार या धारावीकडे फक्त धारावी बिल्डरांना कशी विकता येईल, बिल्डरांच्या घशात कशी घालता येईल, हेच फक्त देण्याचा विचार त्यांचा विचार चालू आहे। खऱ्या अर्थाने धारावीकडे सरकारने एक इंडस्ट्रीयल हब म्हणून, व्यावसायिक वस्ती म्हणून पाहायला हवं आणि त्या दृष्टिकोनातून धारावीचा विकास व्हायला हवा। तब मुझे लगा इतना होकर भी सरकार इस DRP को क्यों लाना चाहती है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे क्षेत्र के MP एकनाथ गायकवाड़ इनसे बात की। तो धारावी ये वाइटल प्रोजेक्ट है और धारावी का विकास और SRA का विकास, उसमें दोनों में फर्क है। SRA में खाली सीमेंट की बिल्डिंग खड़ी होती है, बाकी का एरिया का कुछ भी विकास होता नहीं, बल्कि सुविधा होती नहीं। ये धारावी का विकास का जो एक हमारा सपना है उसमें पूरी नया सिटी तैयार होगी, हर चीज़ नई होगी। तो ये एकदम नया तरीके से एक डेवलप सिटी होगी और गरीब को एक अच्छा रहने के लिए बड़ा सहयोग होगा। और म्युनिसिपैलिटी का सर्वे होगा, उसमें 37% लोग पात्र हो गए, 63% अपात्र हो गए। अभी ये 60% लोगों को बाहर भेज के हम योजना नहीं बना सकते। तो हम लोगों ने CM के पीछे लग के, हमारे पृथ्वीराज चव्हाण जी जो CM है, अच्छे CM है, उनके पीछे लग के हम लोगों ने पहला क्या था, व्यक्ति को मान्यता था। अगर मैं झोपड़े में रहता है, अगर दूसरे आदमी को किसी हुकुमराज मेहता को हमने झोपड़ा बेचा तो मैं 95 के पहले से जाए, हुकुमराज मेहता भी 95 के पहले बन जाए। अगर अभी धारावी के लिए तो वाइटल प्रोजेक्ट बोल के 2000 का हमें सुविधा मिली है, मैं 2000 में रहता तो दूसरा भी 2000 में रहते। अभी हम लोगों ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर को मान्यता दी है, स्ट्रक्चर 2000 का चाहिए। आदमी बदली हो सकता है, स्ट्रक्चर कायम,
अगर मेरा झोपड़ा मैंने दूसरे किसी को बेचा तो मेरा झोपड़ा 2000 के पहला है। बेचने वाला अगर 2012 में जो हमने जीआर निकाला है गवर्नमेंट ने, बेचने वाला एक साल का उसके पास खूब होगा, समझो 2000 का झोपड़ा, नया रहने वाला 2011 में 12 में आया होगा और उसको प्रूफ होगा एक साल का, तो उसके नाम पे झोपड़ा ट्रांसफर हो सकता है, वो मालिक हो सकता है, ये भी इसमें सुविधा है। लोगों की मनीषा मेरे ख्याल से धारा के लोग चाहते हैं कि ये विकास का काम जल्दी जल्दी करो, हमको 200-300 दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया, लेकिन 200 का देगा तो भी चलेगा, लेकिन जल्दी करो। इन सभी लोगों से मिलके मैंने जो बात की और DRP के बारे में जानकारी पाई, फिर भी मेरे मन में कुछ सवाल है जिसके जवाब मिलना भी बाकी है। क्या पुनर्विकास के दौरान टांडिस कैंप धारावी में ही रहेंगे? माड़ा धारावी वासियों को पुनर्विकास की पूरी जानकारी क्यों नहीं देता? क्या भविष्य में धारावी वासी DRP को सपोर्ट करेंगे?